आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान वहां लागू हो सकते हैं। केंद्र ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 हटा दिया था। इसके 4 साल 4 महीने और 6 दिन बाद आए फैसले में कोर्ट ने कहा कि हम आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए जारी राष्ट्रपति के आदेश को वैध मानते हैं। हम लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने के आदेश दिए। सीजीआई ने कहा कि केंद्र की तरफ से लिए गए हर फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसा करने से अराजकता फैल जाएगी। अगर केंद्र के फैसले से किसी तरह की मुश्किल खड़ी हो रही हो तभी इसे चुनौती दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की यह दलील खारिज कर दी कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र ऐसा कोई फैसला नहीं ले सकता जिसमें बदलाव न किया जा सके। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला सामने आया। फैसले में कहा जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए फैसला था और हर फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। आज सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक फैसला आया है। आज के बाद मुझे लगता है 35 और 370 के पक्ष में जो दलीलें दी जा रही थी वो सब दलीलें बेमानी हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो राष्ट्रपति ने फैसला लिया था वो फैसला बिल्कुल सही है। जो 35 हटाने का फैसला लिया, जो 370 हटाने का फैसला लिया, बिल्कुल सही लिया फैसला। जो उन्होंने यूनियन टेरिटरी को यूनियन टेरिटरी बना दिया जम्मू कश्मीर को, वो फैसला भी ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहां इलेक्शन कमीशन अपनी चुनाव की प्रक्रिया शुरू करे और 30 सितंबर 2024 तक अपनी चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ले। जहां तक जो कानून वहां लागू हो चुके हैं राइट टू एजुकेशन और राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो सब चलते रहेंगे। इस बीच में जितने भी फैसले लिए जा चुके हैं उन किसी भी फैसले को, केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने वापस करने का आदेश नहीं दिया है। मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते, ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट लंदन के अध्यक्ष के नाते इस जजमेंट का वेलकम करता हूँ, क्योंकि ये जजमेंट भारत की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, भारत के सीनियर मोस्ट 5 जजेज द्वारा दिया गया जजमेंट है और 16 दिन दोनों पार्टीज़ को जो है पूरी उनको अपॉर्चुनिटी दी गई अपनी अपनी आर्गुमेंट को बताने की, और उसको सुनने के बाद आज ये जो है न्याय डिसीजन आया है। और जैसे कि मिस्टर कपिल सिब्बल जो मेरी तरह एक सीनियर एडवोकेट हैं, जो मैं आज सुप्रीम कोर्ट बार का अध्यक्ष हूँ, वो पहले 2002 में अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने से पहले, ऑफिशियली जजमेंट आने से पहले उन्होंने ये मान लिया था कि वो केस हार गए हैं। तो क्योंकि हम वकील जो होते हैं, जो सीजन एडवोकेट होते हैं, उनको पता होता है कि इस केस में क्या होना है। जो मैंने सुना चीफ जस्टिस जो पढ़ रहे थे उसमें एक एक क्लॉज, एक एक सब क्लॉज को उन्होंने देखा है और सब परिस्थितियां देखते हुए उन्होंने एक नतीजे पर पहुंचे हैं। मैं उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि बहुत दिनों से ये बात हवा में थी, तो अब कम से कम स्पष्ट हो गया है कि जो हुआ वो वैध था। राजनीतिक रूप से चाहे कोई समझे कि नहीं होना चाहिए था वो बात और है, लेकिन लीगल दृष्टिकोण से, न्यायिक दृष्टिकोण से वो वैध है। एक 3 महीने 4 महीने इस पर बहस हुई पार्लियामेंट के अंदर और मुख्तलिफ वकला ने अलग अलग पार्टीज़ को और रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को रिप्रेजेंट किया, और उसके बाद जो आज यूनानिमस फैसला आया उससे मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के सभी लोग, चाहे वो कश्मीर के हों या जम्मू सूबा के, वो खुश नहीं है। मैं आज भी समझता हूँ कि ये हमारी रीजन के लिए एक हिस्टोरिकल चीज़ थी। हमारे जज्बात जम्मू कश्मीर के लोगों से इससे जुड़े थे, चाहे वो 370 हो या 35A हो, जिस 35
ए को महाराजा हरि सिंह ने 1925, 1927 और 1928 में बनाया था कि बाहर वाला न नौकरी कर सकता न बाहर वाला ज़मीन खरीद सकता। और जब हमारा आईन बना तो 35 ए की शक्ल में उस महाराजे को फैसले को आगे बढ़ाया था। तो आज वो भी ख़त्म हो गया, दोनों चीज़ें ख़त्म। अपने जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों को कहना चाहती हूँ, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरी बहनों, हिम्मत नहीं हारनी है, किसी भी सूरत में नहीं। कोई फैसला अटल नहीं होता, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का ही क्यों ना हो। हमारे लिए कोई फैसला अटल नहीं, ये एक सियासी लड़ाई है जो पिछले कई दहाइयों से चल रही है। हमारे लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं इज्जत नफ्स हासिल करने के लिए, हम इसको अधूरा नहीं छोड़ेंगे, मगर बशर्ते कि हम इकट्ठे हो जाएं, एकजुट हो जाएं और ये लड़ाई, ये जद्दोजहद इकट्ठे लड़ें। मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूं, आपने मेरी बात सुनी और उम्मीद करती हूं कि आप दिल में नाउमीदी शिकस्त को जगह नहीं देंगे, बल्कि उम्मीद के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई जद्दोजहद के साथ आगे चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने धारा 370 के सुनवाई के बाद अपना अंतिम निर्णय फैसला दिया है। ये जम्मू कश्मीर के संबंध में एक ऐतिहासिक निर्णय है। साथियों, हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर समाज के अलग अलग वर्गों के साथ हमेशा छल कपट हुआ। जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले जो ट्राइबल्स हैं, गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिपी, 70 साल उनको धारा 370 के कारण उनके अधिकार नहीं मिले।